हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है दूसरा दिन हमारा। फाइनली मैं रामेश्वरम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट आ चुका हूँ, धनुषकोडी। दोस्तों एक अलौकिक अद्भुत अनुभव है जो मैं भी फील कर रहा हूं। 1964 के साइक्लोन से पहले इसी जगह से रेलवे ट्रैक गुजरा करता था। राम सेतु का निर्माण किया था यहां से, राम सेतु की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है दूसरा दिन हमारा रामेश्वरम में। बज रहा है दोपहर के 3, काफ़ी धूप है रहती है यहाँ पर दोपहर में मार्च के महीने में। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग लंच करने के लिए। उसके बाद यहाँ के लोकल एरियाज को घूमेंगे, धनुषकोडी जाएंगे। आज का ब्लॉग काफ़ी इंजॉयबल होने वाला, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं लंच करने के लिए। ABS रेस्टोरेंट में हम लोग लंच करने चले आए हैं। गूगल में वन ऑफ द टॉप रेटेड रेस्टोरेंट है इस साइट का। वेज नॉन वेज दोनों खाना आपको यहां मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग ने ABS रेस्टोरेंट में लंच किया। यहां पे काफी अच्छा वेज नॉन वेज फूड मिलता है, तो आप जब भी रामेश्वरम आए यहां पर ट्राई कर सकते हैं। आइए और यहां पर आप लंच डिनर जो भी जैसा मन करे करें। हम लोगों ने लोकल साइट सीइंग करने के लिए एक ऑटो हायर किया है जो हमें घुमाकर रात को मंडपम स्टेशन छोड़ देगा। दोस्तों फाइनली मैं रामेश्वरम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट आ चुका हूँ, धनुषकोडी। यहीं से श्रीलंका बस 15 मील दूर है और यही वो जगह है जहाँ पर श्री राम के आदेश से हनुमान जी ने राम सेतु का निर्माण किया था। चलिए इस जगह को अच्छी तरीके से घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों बज रहा है शाम का 4:30 और धनुषकोडी में आप टूरिस्ट का भी देख सकते हैं। दोस्तों एक अलौकिक अद्भुत अनुभव है जो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। यहीं से कहीं दूर राम सेतु का निर्माण की शुरुआत हुई थी। आपने बहुत बार रामायण देखा है, राम सेतु का जिक्र देखा है। जब आप रामेश्वरम के धनुषकोडी में आएंगे उसे फील कर पाएंगे। मैं तो अपने मूल से जुड़ पा रहा हूँ, अपने आराध्य श्री राम के बारे में यहाँ फील कर पा रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर से ज़िंदगी में एक बार रामेश्वरम आए, धनुषकोडी आए और फील करें। यहीं कहीं से राम सेतु था, यहीं कहीं पर वो फ्लोटिंग पत्थर है जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ था। जय श्री राम। आप अभी खूबसूरत ड्रोन व्यू देख रहे हैं इस पैच का। हम लोग यहाँ सनराइज देखने आने वाले थे लेकिन नींद नहीं खुलने के कारण अभी आए हैं। अगर आप लोग से हो पाए आप जरूर से सनराइज देखने के लिए आए, काफी खूबसूरत व्यूज होता है यहाँ। तब चलिए आपको बताते हैं इस जगह को धनुषकोडी क्यों कहा जाता है। जब राम जी ने रावण का वध किया तो उन्होंने अपने पुष्पक विमान से सीता जी को जब यहाँ लेके आए तो उनके साथ विभीषण जी भी आए थे। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अब तो आपका काम हो गया, तो फिर इस राम सेतु का अब क्या मतलब है। तब श्री राम जी ने अपने धनुष से एक बाण चलाया था और राम सेतु का उन्होंने खंडन किया था और इसी के वजह से इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा है। यहाँ एक पॉइंट के बाद बैरिकेडिंग किया हुआ है ताकि लोग उस साइड ना जा पाए, शायद उस साइड कुछ खतरनाक पैच है। दोस्तों यहीं पर इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का संगम भी होता है, वन ऑफ माय बेस्ट स्पॉट्स जो मैंने ज़िंदगी में घूमा है। चलिए इस जगह को घूमना पूरा हुआ, यहाँ से बढ़ते हैं
रामेश्वरम में और भी घूमने की जगह है, उसे भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों धनुषकोडी में आपको बहुत सारे फ्रूट मिलेंगे, वेंडर्स, फ्रूट्स वेंडर आप देख सकते हैं यहाँ पे, खीरा है, आम है, अनारस है, वाटरमेलन है, जो भी आपको इच्छा करे 20 रुपीज प्लेट खा सकते हैं। अभी मैं धनुषकोडी गांव में है। 1964 में यहां पे बहुत बुरा साइक्लोन आया था, उस समय ये बहुत हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन उस साइक्लोन के बाद सब कुछ उजड़ गया और आज उसके बस अवशेष ही बचे हैं। दोस्तों धनुषकोडी गांव में आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे मोतियों के, यहाँ पे ओरिजिनल मोती मिलता है, काफ़ी रिजनेबल रेट में भी देते हैं। आप जब इस रूट में आए, अगर आपको शॉपिंग करने का मन हो अब तो आप ज़रूर से यहाँ आए और इनसे मोतियों को खरीदें। दोस्तों 1964 के साइक्लोन से पहले इसी जगह से रेलवे ट्रैक गुजरा करता था, जो पम्बन से ये धनुषकोडी तक आता था, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं उस समय का रेलवे इंजन का सर्विस का जगह वो होता था, और ये टैंक हुआ करता था रेलवेज का। लेकिन उस बड़े से साइक्लोन में जो पूरे गांव को उजाड़ ले गया, बहुत दुख भरी घटना है, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है। चलिए हम लोग भी बढ़ते हैं दूसरी जगह को घूमने के लिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ भारत के इकलौते विभीषण मंदिर, यहीं पर लंका विजय करने के बाद श्री राम जी ने उनका राज्याभिषेक किया था, लेकिन अभी बज रहा है 6:05 और ये मंदिर 6 बजे बंद हो जाता है, सो हम लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो याद से आप लोग जब भी इधर आइएगा 6 बजे से पहले मंदिर प्रांगण में आ जाएँ और विभीषण जी राम जी के दर्शन करें। चलिए बढ़ते हैं कुछ और स्पॉट्स जो घूमना बाकी है। विभीषण मंदिर के उल्टे साइड में फ्लोटिंग पत्थर देखने मिलता है, सो हम अभी उस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों यही वो स्पॉट है जहां पर हमने भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था, यहां से राम सेतु की रचना की गई थी, यहां से राम सेतु बनाया गया था। और अभी आपको चलिए दिखाते हैं वो पत्थर जो पानी में तैरता है। जय श्री राम। दोस्तों अभी मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने हूँ। शाम के बज रहे हैं 6:35 और शाम के 6:30 ये मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। शायद क्या कहूँ, बुरा लग रहा है विभीषण मंदिर के भी दर्शन नहीं कर पाए 5 मिनट के कारण, और ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी दर्शन नहीं हो पाया 5 मिनट के कारण। यही है, बढ़ते हैं कहीं और, अगर मंदिर खुला होगा राम तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम या कहीं और, तो वहाँ दर्शन करेंगे और आपको भी। पंचमुखी हनुमान मंदिर के ऑपोजिट साइड में ही है श्री नटराज मेडिटेशन हॉल, हम अभी उधर ही जा रहे हैं। दोस्तों पंचमुखी हनुमान मंदिर के
दिशा में ही है नटराज मंदिर। आप जब पंचमुखी भगवान मंदिर के दर्शन करने आएगा, संत नटराज मंदिर के भी दर्शन कीजिएगा। भगवान शिव जी का नटराज रूप काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और नटराज मंदिर के पास में ही है लक्ष्मण तीर्थम। यहाँ पे लक्ष्मण जी का एक कुंड भी है, चलिए उसे दर्शन करते हैं। अंधकार हो जाने के कारण मैं आपको सही से लक्ष्मण तीर्थम का व्यूज नहीं दिखा पा रहा हूं। दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग चले आए हैं राम मंदिर और कृष्ण मंदिर दर्शन करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। लोकल साइट सीइंग करने के लिए सुबह ही निकलना बेस्ट होता है, क्योंकि मंदिर जल्दी बंद हो जाता है। हम लोग ज्यादा धूप होने के कारण नहीं निकल पाए। अभी शाम का स्नैक्स खाने के लिए हम लोग आ गए हैं टेस्टी कैफे। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं टेस्टी कैफे में। राम तीर्थ और कृष्ण तीर्थ के बाद हमारा रामेश्वरम का ट्रिप यहीं समाप्त होता है। कुछ स्पॉट्स रह गए घूमने के लिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल और कुछ मंदिर, वो हम लोग कवर नहीं कर पाए क्योंकि रात हो चुका था। बाकी रामेश्वरम मंदिर का दर्शन और धनुषकोड़ी काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमने घुमा और आपको भी दिखाया है। अगली बार जब वापस रामेश्वरम आएंगे, आपको ये स्पॉट्स घुमाएंगे और खुद भी घूमेंगे। इस साउथ इंडिया सीरीज़ के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग वापस मंडपम जा रहे हैं, वहाँ से चेन्नई जाएंगे, फिर कल दोपहर में कोलकाता के लिए फ्लाइट है। नेक्स्ट मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ बनारस। वापस से आपको बनारस का ब्लॉग दिखाऊंगा, सन में कुछ और स्पॉट भी दिखाऊंगा नए। चलिए मिलते हैं वापस से फिर नए सीरीज में। टिल देन के बाय बाय, सी यू सून, और ज़रूर से प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।